नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक नहीं दो दो कंपनीज के बारे में, और दोनों ही रेलवे गवर्नमेंट का कंपनी है। आप सभी जानते हैं रेलवे गवर्नमेंट के बहुत सारे कंपनीज है, और उस कंपनी से आज जो दो कंपनी के बारे में बात करूंगा, दोनों ही कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के ऊपर काम करते हैं। तो दोनों ही कंपनी अभी बहुत छोटे लेवल्स में है, अभी बहुत छोटे प्राइस और छोटे मार्केट कैप के हिसाब से है, एक दिन बहुत बड़ा होने का कैपेबिलिटी रखते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी प्लेटफॉर्म है वो है रेलवे, और सबसे सस्ती प्लेटफॉर्म जो है वो भी रेलवे ही है। तो मेरे हिसाब से रेलवे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे का जो नया नया प्रोजेक्ट है वो बनाने के लिए इस दोनों कंपनी के बहुत बड़ा मतलब हाथ रहेगा। तो इसीलिए इस दोनों कंपनी के ऊपर अभी से आप फोकस रखिएगा। तो चलो दोनों कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहेंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पे मेरे नया शॉर्ट वीडियोज़ का जो सीरीज़ है वो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बहुत सारा अपडेट्स कंटिन्यूअसली मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। जो फर्स्ट मेरे सबसे पसंदीदा कंपनी है वो है RVNL, मतलब रेलवे विकास निगम लिमिटेड, जो एक देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, जो देखा जाए तो एक कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं। तो इस कंपनी में किस तरीके से कुछ दिनों से धमाका किया आप सभी जानते ही है। एक साल में तो कंपनी 100% से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं, शानदार एक मोमेंटम देखने को मिला। मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, कोई कंपनी शायद आपको बहुत दिनों तक एक ही रेंज में फंसे हुए देखने को मिल सकता है। तो सोचना वो एक ही जगह पे वॉल्यूम कर रहा है, कभी ना कभी वो उस लेवल को तोड़ेगा और एक बहुत बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा। तो यही देखिए, यही एक्चुअली शेड्यूल्स होते हैं कोई भी स्टॉक के लिए। जब कोई स्टॉक हायर साइड के ऊपर वॉल्यूम करते जा रहा है तो सोचना कभी ना कभी वो तेजी आपको दिखाएगा। तो इस कंपनी में खासियत क्या है, फ्यूचरिस्टिक कंपनी है कि नहीं, चलो मैं आपको आज बता देता हूँ। इस कंपनी में सबसे जो मुझे खासियत लगा, कंपनी का जो काम, कंपनी काम कितना अभी तक कंपनी काम कर चुके हैं, मतलब कर चुके हैं, न्यू लाइंस कितना 462 लाइंस बना चुके हैं, डबल लाइंस कितना बना चुके हैं 4293 किलोमीटर का, टोटल जो यहाँ पे देख सकते हैं कन्वर्सेशन है कितना, जो 2100 किलोमीटर के आसपास, इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर काम कर चुके हैं 8782 किलोमीटर के आसपास, कितने वर्कशॉप है 13 वर्कशॉप है। इसका मतलब कंपनी में एक पोटेंशियल और ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिला है। कंपनी कहाँ कहाँ पे काम करते हैं, कंपनी ज्यादा से रेलवे सेक्टर के ऊपर भी काम करते हैं, मतलब साथ ही साथ मेट्रो सेक्टर के ऊपर भी काम करते हैं। मैं कुछ ही दिनों पहले इसके ऊपर कुछ वीडियोस आपको बना के दिया था, वहाँ पे मैं आपको डिटेल्स में बताया था कि कंपनी में बहुत सारे रेलवे के प्रोजेक्ट, बहुत सारे रोड कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट, सॉरी रेलवे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट और टनल के प्रोजेक्ट को कंपनी को देखने को मिला है। तो कंपनी देखिए ब्रिज बनाने में, टनल बनाने में, रेल रेल लाइन बनाने में, साथ ही साथ और मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कंपनी में दम तो जरूर है। अभी इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है, और इस कंपनी में देखिए अच्छा खासा मुझे यही चीज लगा, कंपनी अभी भी छोटा है, 16,000 करोड़ के मार्केट कैप है, एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी बन चुके हैं। कंपनी का आप देखेंगे पी रेशियो ठीक ठाक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय ठीक ठाक लेवल में है। कंपनी के डेब्ट के बारे में बात करूँ तो 1% के नीचे है, चलो ठीक ठाक है, एनुअल इनकम भी अच्छा खासा है। और दो पॉइंट्स मुझे सबसे बेस्ट लगा, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है, मार्केट कैप टू सेल्स भी बहुत अच्छा खासा लेवल में है, साथ ही साथ पैग रेशियो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं वो भी यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब 1% के नीचे है। और यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट कवरेज, कंपनी करीबन 4 गुना इंटरेस्ट देकर 4 गुना पैसा वो कमा रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी आज तक लॉसेस नहीं किया, उल्टा कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को ग्रोथ कराते जा रहा है, ये सबसे बड़ा खासियत रहता है कोई भी कंपनी के लिए। अगर आप कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट को देखेंगे तो कंटिन्यूअसली मेंटेन हो रहा था, आज भी मेंटेन हो रहा है, पहले भी मेंटेन हुआ था। कंपनी का देखिए सीएजीआर का जो परसेंटेज है वो आप देखेंगे तो 43% के आसपास कंपनी ने 3 साल में रिटर्न दिया, एक साल में 100% के आसपास रिटर्न दिया। तो रिटर्न ऑफ इक्विटीज के बारे में बात करें तो कंटिन्यूअसली रिटर्न ऑफ इक्विटीज भी यहाँ पे पॉजिटिव दिखा। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बहुत पॉजिटिव है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे वीकनेस भी है। तो
वीकनेस के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिला। कैश फ्लो भी कंटिन्यूअसली यहाँ पे प्रॉफिट को मेंटेन करता है। पहले 2-3 बार कंपनी नेगेटिव दिखाया था, अभी फिर से वो रिकवरी कर चुके हैं। इन्वेस्टर के बारे में बात करो तो कंटिन्यूअसली इन्वेस्टर भी इसके ऊपर निवेश बढ़ा चुके हैं। प्रोमोटर के बाद देखिए FIs के पास कम हिस्सेदारी था, इस बार हिस्सेदारी बढ़ा चुके हैं। DS के पास भी कम हिस्सेदारी था, इस बार हिस्सेदारी बढ़ा चुके हैं। साथ ही साथ पब्लिक के पास भी हिस्सेदारी था, अभी पब्लिक भी हिस्सेदारी बढ़ा चुके हैं। तो हर कोई हिस्सेदारी यहाँ पे धीरे धीरे करके बढ़ा रहा है। सो DS ने थोड़ा सा माल यहाँ पे कम किया है। अगर इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो RBL का चार्ट पैटर्न जो मैं पहले बता चुका हूँ, एक एक बिग रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट किया और एक बिग रैली देखने को मिला। फिर से देखिए यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है, फिर से एक ब्रेकआउट हुआ है। मेरे हिसाब से इस हायर लेवल को तोड़ेगा तो एक फिर से रैली देखने को मिल सकता है। तो ये था एक नंबर वन कंपनी। और सेकेंड कंपनी कौन सा है, चलो मैं बता देता हूँ। सेकेंड कंपनी है जिसका नाम है राइट। देखिए ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, ये भी एक देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है। तो ये भी देखा जाए तो कंपनी जितने सारे इंजिन होते हैं, जितने सारे देखा जाए तो लोको इंजिन्स होते हैं, उसका भी मतलब उसको भी बनाते हैं, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम करते हैं। कंपनी राइट्स ज़्यादा से ज़्यादा तक मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, मेट्रो सिटीज़ के ऊपर, मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी बीच कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी काम करते हैं। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट कंपनी बहुत बार कर चुके हैं। तो इस कंपनी में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। 48 ईयर्स का कंपनी का टोटल एक्सपीरियंस है। कंपनी का टोटल एम्प्लॉयज 2800 से भी ज़्यादा है। साथ ही साथ कंपनी का 5000 से बेसी असेसमेंट है। साथ ही साथ कंपनी का 6 ओवर लोकेशंस में काम करते हैं। तो ये खासियत कंपनी का जरूर है, फिर भी ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है, उस हिसाब से आपको सोचना चाहिए। अगर इस कंपनी का मैं चार्ट पैटर्न आपको यहाँ पे चार्ट पैटर्न यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो 6 मंथ में करीबन 35% तक रिटर्न दिया। एक अच्छा खासा रिटर्न भी यहाँ पे दे नहीं पाया, फिर भी पॉजिटिव में है। एक साल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, 30% तक रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। 5 साल में कंपनी 116% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कर दूँ तो 116% के आसपास यहाँ पे रिटर्न दिया हुआ है। तो कंपनी में देखिए हमेशा ट्रेंड अप ट्रेंड है। छोटा कंपनी है, 8000 करोड़ के आसपास, तो धीरे धीरे करके कंपनी ग्रोथ कर रहा है। इसको टाइम देना पड़ेगा, इस तरीके से कंपनी को पेशेंट के साथ बना रहना होगा, क्योंकि कंपनी में अच्छा खासा दम भी है। कंपनी का मार्केट के बच्चा है, PE रेशियो कम है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज से भी अच्छा खासा देखने को मिला है। डेप टू इक्विटी के बारे में बात करूँ तो कोई भी डेप नहीं है, 0 डेप है कंपनी का। 500-550 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, सब कुछ पॉजिटिव देखने को मिला है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज के बारे में बात करूँ तो 108% के आसपास यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज दिया है। पैग रेशियो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का पैग रेशियो यहाँ पे उतना खास मतलब भी नहीं है, उतना खराब भी नहीं है, तो ठीक ठाक लेवल में देखने को मिला है, क्योंकि हमेशा पैग रेशियो 1% के नीचे होना चाहिए। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, अच्छा खासा मेंटेन, और धीरे धीरे ग्रोथ भी करा रहा है। कंपनी आपको रिटर्न भी ठीक ठाक दिया है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ एवरेज लेवल के आसपास है। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक ठाक है। साथ ही साथ कंपनी के रिजर्व के बारे में बात करूँ तो रिजर्व भी पॉजिटिव में है, और कर्जा भी पॉजिटिव में मतलब धीरे धीरे करके कम हो रहा है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग DS के पास है, उसके बाद पब्लिक के पास है, उसके बाद FIs के पास है। तो FIs भी देखिए इस बार होल्डिंग थोड़ा सा बढ़ा चुके हैं, ये बात भी आपको देखना पड़ेगा। तो सारे पैरामीटर्स आपके सामने रख चुका हूँ, अभी इसका भी चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ तो मैं पहले बता चुका हूँ कि अब कोई भी ट्रेंड लाइन, कोई भी रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो आप वहाँ पे एंट्री मत हो लेना। वहाँ पे आपको एक बार रिवर्सल दिखेगा, उस रिवर्सल के ऊपर अगर कोई भी ट्रेड बन रहा है तो उसके ऊपर आप ऑब्वियसली एक ट्रेड ले सकते हैं नीचे स्टॉप लॉस लगाकर। अगर इस तरीके से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल आप रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल देखना चाहते हैं तो नीचे हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको कहा जाना है जरूर कहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।